सरप्राइज देने वाली हूँ। कल उनका बर्थडे है, आज 25th है, तो आज हम जा रहे हैं पावना लेक। मैंने उनको नहीं बताया, हम बोले कि हम लोनावला जा रहे हैं। कौन से प्लेस पर जाएंगे लोनावला से, ये हमें उनको नहीं बताया। उनका सुबह का जॉब था 7 to 10, आज हाफ डे करके आ रहे हैं। हमारी 12 o'clock की ट्रेन है थाने से, तो अभी सब पैकिंग चालू है। मैं अकेली पैक कर रही हूँ, वो अभी अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, तो अभी वो आते होंगे 10:30 तक आ जाएंगे वो पूरा पैकिंग करके। मेरी एक और कपल से हमारे साथ, मेरी फ्रेंड, वो उनके हस्बैंड, तो आज हम जा रहे हैं पावना लेक। अभी हम रेडी हो गए, जा रहे हैं कहाँ पे, लोनावला। बाय। अभी हम लोग घर से नीचे आ गए हैं, अभी जा रहे हैं घाटकोपर। घाटकोपर से थाने जाएंगे, थाने से हमारी ट्रेन है। अभी हम ऑटो से घाटकोपर स्टेशन जा रहे हैं। अभी जस्ट हम घाटकोपर स्टेशन आए हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी ये ट्रेन से हम थाने जा रहे हैं। अभी हम थाने स्टेशन के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे खाने के लिए, तो सिर्फ इडली मिला तो वो खा रहे। अभी खाने के बाद जा रहे थाने स्टेशन टिकट निकालने के लिए, चेन्नई एक्सप्रेस। अभी हम जा रहे थाने टिकट काउंटर पर टिकट निकालने के लिए, और मेरे फ्रेंड्स लोग का भी वेट कर रहे हैं, तो अभी निकालने के लिए जा रहे हैं। ये रही मैं थोड़े बहुत स्टेशन पे पहुँच देते हुए। क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, यही रहे मेरे दोनों फ्रेंड्स जो थाने स्टेशन पे मिले मुझे। हमें एक्चुअली टिकट नहीं मिला तो हम वेटिंग पे ही निकल गए, रिजर्वेशन नहीं था, तो हम बैठ के जा रहे हैं नीचे। रवि, सचिन, और ये रहा बाहर का व्यू। फाइनली हम लोग लोनावला स्टेशन आ गए हैं। ये रही नेहा। हाँ, आगे जाके मैं डांस करने वाली हूँ, मेरा शाम को डांस देखना, और आज मेरे पति को भी नचवाऊंगी मैं। ये रही हमारी वैन जो हमें लोनावला स्टेशन से मिली। हमने ये ऑलरेडी बुक किया था, ये ड्राइवर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वन साइड का 1000 rupees देती है, रिटर्न 2000 rupees ही। इसमें मैक्सिमम 6 person बैठ सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं डायरेक्टली अपना पावना लेक कैंपिंग में। तो यहाँ से कुछ अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से डिस्टेंस कुछ 45 minutes लगेगा आपको डायरेक्टली पावना लेक जाने के लिए कैंपिंग में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे जो रोड्स है वो भी प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी आपको मज़ा आएगा यहाँ से जाने में आगे तक। गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको अगर टेम्पू और वैन में अगर फोर व्हीलर में अगर आपको मिल जाता है तो आप प्लास्टिक लेके आना, क्योंकि मेरी वाइफ को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुआ ट्रैवलिंग करते हुए, और मैंने ब्रेकिंग प्लास्टिक ऑलरेडी लिया है, उसमें वॉमिटिंग करते करते पूरा ट्रिप मतलब कैंसिल करने की नौबत आ गई थी, बट इट्स ओके। तो आप फिर भी लेके आ देना आपका प्लास्टिक बैग वगैरह, तो आपके लिए कम्फर्ट रहेगा। यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ के जो रोड है इतने प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन यहाँ का अगर आप देखोगे व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ पे मॉर्निंग में। और अगर आप देखते रहोगे तो रोड के बगल में ही काफ़ी घर वगैरह है, तो उसमें अगर आप देखो तो व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब हमें इतना बोरिंग नहीं लगा। और जैसे कि अब ड्राइवर भी देखो तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल ड्राइवर है, क्योंकि आप देख सकते हो रोड कैसा है, खड्डे खड्डे पर कैसे प्रोफेशनली लेके जा रहा है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे हमारे कैंप में, और हमारा चेक इन टाइम था 4 बजे का, लेकिन हम 1 घंटा लेट हो गए, और फिर भी लेकिन हम इतना अच्छा लगा कि हम यहाँ पे पहुंच गए फाइनली ठीक ठाक। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कैंप काफ़ी सारे हैं, लेक का भी। हमारा
अभी हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं इवनिंग का। प्रवीण, ये सामने हमारे सनसेट हो रहा है, ये हमारा रहा टेंट। सेट हो गया है, ये रहा प्रवीण, रेडी हो गई। नेहा ने स्कर्ट डाल लिया, सचिन ने भी ड्रेस चेंज नहीं की।
तो गाइस ये है हमारा बारबेक्यू और ये नेहा वेज खा रही है क्योंकि उसे नॉनवेज नहीं खाना था। एंड यहाँ पे अगर नॉनवेज भी देखोगे नॉनवेज भी है, तो यहाँ पे उनके हस्बैंड सचिन जो चिकन फेवरेट है उनका, और यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे हम भी वही सेम खा रहे हैं। तो गाइस ये हमारा डिनर था, तो इसमें जैसे कि ये मेरी वाइफ वेज खा रही है जिसमें पनीर की भाजी थी, पापड़, रोटी, दाल एंड जलेबी थे, और ये मेरा नॉनवेज की थाली, तो सलाद, चिकन, रोटी और इसमें ग्रेवी भी था, चिकन ग्रेवी, तो यही हम खा रहे थे। और खाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और ये सारे, और हमारा अभी राइस आना बाकी है तो उसके भी जगह रखे थे हमने। मैं आती ना वीडियो में, मेरे को तो नहीं हमारा नहीं सही में हम तो फोटो रहने दो, वीडियो में सब आ जाता है। तो गाइस ये मेरा बर्थडे था और मुझे ऐसा लगा कि मेरी वाइफ को याद ही नहीं मेरा बर्थडे, क्योंकि रात में उन्होंने केक में कुछ नहीं बताया, केक भी नहीं काटा था, लेकिन मॉर्निंग में उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर माई वाइफ एंड फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड को ये सरप्राइज़ अच्छा लगा एंड बहुत इन्जॉय किया हम सब फ्रेंड्स ने। और ये जो हमें कॉस्ट पड़ा था पर पर्सन 900 रुपीज़ पड़ा था, और एक्स्ट्रा हमें ट्रैवलिंग लगा जो ज़्यादा ही कॉस्टली था, अब वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। ये रहा हमारा टेंट। ये गाइस अभी यहाँ पे हमारा ट्रिप एंड होने की हुए, और यहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है सारे देने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे अगर फिर भी कुछ छूटा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड सो गाइस प्लीज़ ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।